हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई बिलीव आप सब बेहतरीन हैं। यू नो व्हाट, जब हम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं और कुछ तो ऐसा इवेंट हो जाए यार जिसके ऊपर हमारा ना कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आप सबके साथ हो रहा है, वो भी दो बार ऐसा हो गया कि भाई एक बार तो यू नो 20 तारीख को हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन की थी, 20 तारीख के पेपर के लिए पहले पोस्टपोन हो गया, 20 और 21 शुरू के दो पेपर पोस्टपोन हो गए। उसके बाद फिर से ठीक है यार, हम सब टीचर्स जितने भी हैं यूट्यूब के माध्यम से आप सबको सपोर्ट किया। और बच्चों, हम लोगों ने सपोर्ट किया नहीं किया, आपको तो करना ही था क्योंकि अब उस चीज़ में हम कुछ कर नहीं सकते थे। उसके बाद आज ऐसा हुआ क्योंकि कई बच्चे, बेसिकली यूपी के बच्चे, बिहार के बच्चे, कोलकाता साइड के बच्चे, ये बच्चे बड़े कन्फ्यूज थे, दिल्ली के बच्चे, कि सर ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट बंद है, हम नहीं पढ़ाई कर पा रहे, हम बहुत असमंजस में हैं कि यार क्या करें क्या नहीं करें। सो, मैं बस एक ही चीज़ यहाँ पर आप सबको कहना चाहूँगा कि यार देखिए, चीज़ें जो हो रही हैं वो अपने कंट्रोल के बाहर हैं, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन देम, ठीक है। तो अब हम पढ़ाई को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि मैंने जो पहले बताया था कि आपको कैसी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, उसके हिसाब से आप सब लोगों ने, मतलब वो दो पेपर जिनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, आप लोगों ने मेरे हिसाब से नहीं पढ़े थे, कायदे से नहीं पढ़ना भी चाहिए था, ऐसा मोस्टली सारे फैकल्टीज़ ने यही कहा होगा आपको। अब जैसे कि 23 और 24, अब दो पेपर आपके और पोस्टपोन हो गए, जो कल होना था और जो परसों होना था। ये वीडियो मैं CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सारे बच्चों के लिए बना रहा हूँ कि भाई अब वो सब्जेक्ट भी पोस्टपोन हो गए, कि हम जिसकी पढ़ाई 21 और 22 को पढ़ रहे थे कर रहे थे, वो सब्जेक्ट भी अब पोस्टपोन हो गए, यार अब क्या करने का। सो मेरा तो यहाँ पर बहुत क्लियर स्टैंड यही रहेगा, जितना मुझे लगता है, जितना मेरा अनुभव है एज अ टीचर और जितना मैं ICSI के लोगों को करीब से जानता हूँ, उसके हिसाब से अब मेरा एक ही आप सबको सजेशन रहेगा, कोई डिफरेंट सजेशन नहीं है, जो पिछली बार सजेशन था मेरा वही सजेशन रहेगा आप सबको कि प्लीज़ अभी आप भूल जाइए जो दो सब्जेक्ट थे 23 और 24 के जो सब्जेक्ट हैं, इन सबको बिल्कुल आप दरकिनार कर दीजिए। अब आप प्रिपरेशन कीजिए 26 और 27 वाले सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो 26, 27 या जो भी आगे के सब्जेक्ट्स थे आप उनकी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि देखिए आप 23 और 24 के जो एग्ज़ाम थे उनके लिए तो आपने आज तक अच्छे से पढ़ाई की होगी। सो, मेरे हिसाब से अब उन सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप किसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो आपके अगले सब्जेक्ट होने वाले ना, तो 23-24 को 25 को छुट्टी है, तो 26-27 के जो आपके एग्ज़ाम है आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए और उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए। सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि विराट कोहली जब बहुत अश्योर्ड होगा कि यार मैं इस मैच में सेंचुरी मारूंगा, हो सकता है उसकी उस मैच में बैटिंग ही नहीं आई हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब नेक्स्ट मैच में उसकी बैटिंग आएगी तो पूरे मन से नहीं करेगा, ये सोच के कि यार जिस मैच की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से करके गया था उस मैच में तो मुझे बैटिंग करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। तो बच्चों देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जिसको परफॉर्म करना है ना, जो अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा केंद्रित है, जो अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सजग है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम आज है कि कल। मैं सब समझता हूँ, आप मुझे बोल रहे होंगे कि साला हमारे साथ कांड हुआ है और ये दुष्यंत सर कुछ भी बातें कर रहे हैं। बच्चों देखिए, मेरा काम एज अ टीचर आपको गाइड करना है, आपको मोटिवेटेड रखना है, आपको किसी भी चुनौती के लिए मैं तैयार रखना चाहता हूँ। तो ये ICSI भी यहाँ पे जानबूझ के नहीं कर रही, क्योंकि आप सबको पता है इतना ज़्यादा हमारे देश में माहौल ख़राब है। अब NRC अच्छा है, CA अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में कमेंट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि ठीक है बच्चों, वो जैसा भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, बट इसके कारण मतलब ICSI भी मजबूर है, ICSI भी स्टूडेंट्स के हित में निर्णय लेती है। और आप सबको पता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार हमारे शहर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बिलीव मी बहुत हालत ख़राब है बच्चों। मैं भी इतने दिन से, चूँकि मैं भी पिछले 10-12 दिन से छुट्टियों पर हूँ, तो मैं भी न्यूज़ वगैरह उतनी नहीं देख पा रहा हूँ, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ नेट के माध्यम से, मेरे स्टूडेंट्स के माध्यम से, तो मैं और बच्चों आप में से कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं उठाता हूँ बट मैं बहुत लोगों के फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। रीज़न ये है क्योंकि मैं ट्रैवल पे होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो फ़ोन है वो बैग में रखा होता है, तो इसके कारण एक रीज़न है मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ। बट मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ पढ़ाई करते रहिए। और मुझे मतलब मेरे अंदर से एक फीलिंग है, हालांकि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बहुत अच्छे आने वाले हैं, बिकॉज़ ICSI को भी समझ में आ रहा है
कि यार मतलब बच्चों को बच्चों बच्चे प्रिपेयर थे एग्जाम के लिए, और ये सारे कांड की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों के मोराल पे एक असर पड़ा होगा। तो आईसीएसई मुझे जहाँ तक लगता है कि पेपर काफ़ी इजी, मतलब जितनी डिफिकल्टी लेवल के साथ चेक करती है उतने डिफिकल्टी लेवल के साथ चेक नहीं करेगी, थोड़ा आसान तरीके से आईसीएसई जो है वो पेपर चेक करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और आपको बस हिम्मत नहीं हारनी है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके अगले पेपर हैं 25 और 26 वाले पेपर, उनकी बिल्कुल शिद्दत के साथ आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। हिम्मत नहीं हारी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहीं ना कहीं आप लोग भी प्रार्थना करते थे ना जब एग्ज़ाम हो कि यार आज यहाँ बम फूट जाए, आज ऐसा हो जाए तो एक दिन का टाइम मिल जाए, एक्स्ट्रा मिल जाए। सो समझ लीजिए कि बहुत टाइम से जो हम लोग बचपन से 9th 10th 11th 12th 8th से जो प्रार्थना कर रहे थे, हो सकता है भगवान ने वो प्रार्थनाएं सुन ली। तो बस ठंडे दिमाग के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ सुबह 10 मिनट के मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, भगवान को अपने माता पिता को थैंक यू बोलिए, और कल से बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। कई बच्चे जो ये बच्चे ये वीडियो पूरा ही देखेंगे वो मुझसे हमेशा पूछेंगे, यार सब लोग यही पूछते हैं कि यार कि सर आगे के एग्जाम्स कब होंगे। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, जब आपके रेगुलर स्केड्यूल वाले पेपर ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 31 या जो भी आपका पेपर ख़त्म होने की डेट थी एग्जीक्यूटिव और फाइनल के, जैसे वो पेपर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन की छुट्टी होगी, और उसके बाद आपके दो पेपर होंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ और ज्यूरिसप्रूडेंस, मान लीजिए ये जो भी सब्जेक्ट था आपका वो पेपर होगा। उसके बाद फिर से मेरे ख्याल से 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, और उसके बाद ये बाकी के दो पेपर्स होंगे, ठीक है। तो इससे नुकसान उन बच्चों को हो सकता है जिनकी ऑलरेडी घूमने की टिकट्स हों और घूमने का प्लान हो। तो मैं आईसीएसआई की बिहाफ पे आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, हालांकि मैं अब मुझे बुरा लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन अब इस बार क्या करें, देश देश में परिस्थिति ऐसी है बच्चों, आपकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सरकार के लिए, और बिलीव मी हमारी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, आईसीएसआई बहुत अच्छा काम कर रही है। तो प्लीज़ अपना हिम्मत मत हारिए, और रिजल्ट इस बार बिलीव मी बहुत अच्छे आने वाले हैं, आप सब मिठाइयाँ बांटने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत सारी पार्टियाँ आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं तो आपको अभी से बोल रहा हूँ आप सब बहुत अच्छे तरीके से पास होने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा बच्चों, भगवान आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, हम जैसे गुरुओं की दुआएं आपके साथ हैं, और मैं पूना की सारी फैकल्टीज, मेरे पार्टनर सपान सर, आईसीएसआई के जितने मेंबर्स हैं, हम सारे यूट्यूब पे के माध्यम से जितने फैकल्टीज आपसे कनेक्टेड हैं, हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब बहुत अच्छे अंकों से पास हों, और आप सब तरक्की करें और प्रोग्रेस करें। बिलीव मी, मैंने तो बोला ही है कि पेपर एकदम आसानी से चेक करिए आईसीएसआई, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, छुट्टियाँ मना रहा हूँ, ये हमारे रूम का पिछवाड़ा है, तो ये ऐसा कुछ रूम है, ये जैसलमेर के पास में एक गाँव है खुरी, तो ये वहाँ का वहाँ पे हम लोग हैं अभी। तो अब आईसीएसआई हमको भी चैन से कहाँ बैठने देती है, कि जब ऐसा आया तो हमको भी वीडियो डालना पड़ा, और अच्छा है इस माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट भी हो पा रहा हूँ बच्चे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।